भाजपा प्रत्याशी नायब सैनी ने प्राचीन देवी मंदिर माता बाला सुंदरी की पिंडी स्वरूप के दर्शन किए और पूजा अर्चना कर शाहबाद हलके में चुनावी प्रचार की शुरुआत की। नायब सैनी ने कहा कि 23 मई को लोकसभा के चुनावों के परिणाम भाजपा के समर्थन में आएंगे और दोबारा फिर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में पिछले 5 सालों में भारत ने विश्व में नए आयाम स्थापित किए हैं। भाजपा ने सबका साथ सबका विकास लेकर काम किया है। राज्य मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि नायब सैनी भारी बहुमत से जीतकर लोकसभा में पहुंचेंगे। नायब सैनी एक स्वच्छ छवि की नेता है। आज पूरा का पूरा देश का हर व्यक्ति मोदी मोदी कर रहा है। मैं पिछले लगभग 5-6 दिनों से क्षेत्र के अंदर काम कर रहा हूँ। एक तरफा जनसैलाब उमड़ करके जनता का आ रहा है और हर व्यक्ति एक बात ही बोल रहा है कि हम मोदी जी को वोट देंगे, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। मुझे तो मुकाबला कहीं दिखाई नहीं देता। काफ़ी लोग तो मैदान छोड़ करके ही भाग गए, कहने लगे कि हम स्टार प्रचार की भूमिका अदा करेंगे। मुकाबला किससे कहें, मुकाबला कहीं दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी रही है। देश को भ्रष्टाचार के दलदल में फंसाने का काम किया, बड़े बड़े घोटाले कांग्रेस ने किए हैं और कांग्रेस ने जो अपने मैनिफेस्टो के अंदर देश को तोड़ने वाली बात कही, आज पूरा का पूरा देश उससे विमुख हुआ है और उनके कार्यक्रमों के अंदर भी वो जाना पसंद नहीं करता, क्योंकि जिस प्रकार की उनकी मैनिफेस्टो के अंदर बातें उन्होंने कही हैं, देश को तोड़ने वाली बातें कही हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी ने मैनिफेस्टो जारी किया, वो मैनिफेस्टो देश की 130 जनता के बीच में जा कर के उनसे सुझाव लेकर के उनके अनुरूप मैनिफेस्टो तैयार किया गया, जो देश को मजबूती प्रदान करेगा, देश के विकास में सहायक सिद्ध होगा। अर्थ प्रकाश टीवी के लिए कुलतार सिंह की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।